पूरी दुनिया में 200 से भी ज्यादा देश मौजूद हैं और हर एक देश अपने आप में ही काफी ज्यादा अजीब और कमाल का होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही अनबिलीवेबल देश के सफर पर लेकर जाने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। एक ऐसा देश है जहां पर कुत्ते बिल्लियों का मांस खाया जाता है और इस देश को गुलामों का देश कहा जाता था। हम बात कर रहे हैं टोगो की। आपने शायद इससे पहले इस देश का नाम नहीं सुना होगा, तो आइए बात करते हैं इसकी रोचक बातें। बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, इस देश का पूरा नाम टोगलीज रिपब्लिक है और इसे टोगो देश के नाम से जाना जाता है। इस देश को कभी गुलामों का देश भी कहा जाता था क्योंकि इस देश पे यूरोप के कई सारे देश राज करते थे और यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाते रहे। लेकिन अब इस देश में सब कुछ बदल गया है। अब यहाँ कोई किसी के गुलामी नहीं करता। दोस्तों, ये वही देश है जहाँ आपको मिट्टी से बने घर देखने के लिए मिलेंगे। इस देश के 42% लोग शहर में रहते हैं जबकि 58% लोग गाँव में ही रहते हैं। टोगो देश के लोग बहुत ही ज्यादा जवान दिखते हैं। इस देश के लोग काफी ज्यादा मेहनती भी होते हैं क्योंकि ये कभी काम करने से पीछे नहीं हटते। आज भी इस देश के लोग 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं और शायद इसी को देखते हुए यूरोपियों ने इस देश को अपना गुलाम बनाया, जिस कारण से आज इस देश में गरीबी बहुत है। यहाँ के लोग भोजन में जानवरों को मार कर ही अपना गुजारा करते हैं और साथ ही यहाँ के लोग मछली पालन में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इस देश के लोग मेहनती तो हैं लेकिन इनके पास किसी प्रकार का काम नहीं है और शायद इसी वजह से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। इस देश में ना ही कोई फैक्ट्रीज है और ना ही कोई प्रोडक्शन का बड़ा कारखाना। ऐसे में लोग करे तो करे क्या, और इसी कारण से इस देश की गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई है और टोगो देश को दुनिया का सबसे दुखी देश माना जाता है क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ अपना दुखी चेहरा लेकर बैठे रहते हैं। जैसा कि पहले ही हमने आपको बता दिया था कि इस देश के लोगों के पास कुछ करने को नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोग उदास बैठे रहते हैं। साथ ही इस देश में निगेटिविटी बहुत है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है और खाली दिमाग में शैतान का घर होता ही है, जिससे दिमाग में निगेटिविटी आना आम बात है। अफ्रीका के इस छोटे देश का इतिहास कोई खास नहीं रहा। यहाँ के लोग बीते हुए वक्त के बारे में तमाम परेशानियाँ झेली हैं। कई साल पहले तक यहाँ के लोगों को यूरोप वाले अपने साथ ले जाते थे। यहाँ की महिलाओं के साथ बदसलूकी का व्यवहार किया जाता था क्योंकि उस वक्त तक टोगो में कोई कानून नहीं था और जिस भी ताकतवर देश को मजदूर की आवश्यकता होती थी तो वो उन लोगों को वहाँ से ले जाते थे। इस देश के लोगों को यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर से वो किसी का गुलाम न बन जा, जो कि 400 से 500 साल पहले हुआ करते थे, और इसी बात का खौफ आज भी इनके दिल और दिमाग में बसा है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुनिया के सबसे खूबसूरत देश जो कि मिट्टी से बनते हैं वो आज भी आपको टोगो देश में ही देखने को मिलेगा। इस देश के बारे में एक और बात जानना बेहद जरूरी है कि यहाँ के लोग जो भी बिजनेस करते हैं वो तेज और मतलबी है। यहाँ के बिजनेसमैन जानबूझकर किसी भी चीज की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। इस देश में जो भी जाता है वो अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं रहता, और यहाँ बाहर से आए हुए देश के लोगों को ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि इस देश में रात को निकलना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। यहाँ रात को निकलना मतलब अपने आप को लुटवाना होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में बेरोजगारी के कारण क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि कई सारे ग्रुप है जो टूरिस्ट को लूटने के लिए घूमते रहते हैं। इस देश में चोरी डकैती के बाद लोगों के बीच में नशा करना बहुत ही आम बात है। आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग फंक्शन में खाना नहीं खाते हैं बल्कि यहाँ खाने की जगह पर सिर्फ और सिर्फ नशा किया जाता है और शराब पी जाती है। बियर यहाँ के लोगों की सबसे पसंदीदा पहली पसंद है, और साथ ही साथ यहाँ के लोग वाइन और गांजा भी पीते हैं। और आप खुद ही सोचिए कि जिस देश में ये सब हो रहा हो उस देश का क्या हाल होगा। वैसे तो कई देश गरीबी में लुट जाते हैं उसके बाद भी काफी अच्छी प्रोग्रेस कर लेते हैं, तो आखिर इस देश में प्रगति क्यों नहीं हुई। दरअसल यहाँ के लोगों और सरकार के बीच का तालमेल नहीं है क्योंकि पहले सरकार बनाते हैं और बाद में उसे ही कोसते हैं, और इस देश की सरकार भी वहाँ के आम नागरिकों के लिए कुछ नहीं सोचती, और इसी वजह से कई बार सिविल वॉर भी हो चुके हैं। यहाँ के लोगों के लिए सरकार में जाना यानी कि पैसा कमाना है, पर इसके बावजूद यहाँ के लोग रंग को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ आपको जगह जगह पर लोगों के बाल ऐसे रंग बिरंगे दिख जाएंगे क्योंकि बालों को रंगना ये गुड लक मानते हैं, पर वहीं ये साफ रहना पसंद नहीं करते। इस देश में बहुत ही ज्यादा गंदगी है। यहाँ आपको बहुत कम लोग दिखेंगे जो कि साफ सुथरे हैं, बाकी सब लोगों को गंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही कारण है कि यहाँ पर काफी तेजी से बीमारियां फैलती है। यहाँ पर एड्स और मलेरिया जैसी बहुत ही ज्यादा बीमारियां होती है क्योंकि लोगों के बीच जागरूकता नहीं है। यहाँ हर साल हजारों लोगों की मौत होती है लेकिन फिर भी यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। इस देश में आपको हॉस्पिटल की सुविधा बहुत ही कम देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देश में आपको डॉक्टर कम देखने को मिलेंगे, और शायद इसी वजह से इस देश में जो कोई भी बीमार होता है उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं।
यहाँ के लोगों को लगता है कि वो सिर्फ एक ही काम में माहिर हैं और वो सिर्फ बातें को बढ़ाना। और यहाँ के लोग सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ तरह तरह की बातें ही बनाते हैं। ये दुनिया के हर देश के बारे में करते हैं, लेकिन जब खुद को बदलने की बात आती है तो ये चुप हो जाते हैं। एक तो इस देश में कोई कामकाज नहीं है, सभी बेरोजगार हैं, और ऊपर से यहाँ के लोग कामचोर भी होते जा रहे हैं। वहाँ के लोग देश के कानून के नियम को फॉलो नहीं करते। इस देश का ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से गया गुजरा है। यहाँ की सड़कें भी बहुत बेकार है और ऊपर से कोई ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता। दोस्तों, अगर इस देश की खान पान की बात की जाए तो यहाँ के लोग चटपटे और मसालेदार खाने के शौकीन हैं। साथ ही इस देश में कुत्तों और बिल्लियों का मांस भी खाया जाता है, और तो और इस देश में सांपों को भी खाया जाता है और चूहों को भी। यहाँ के लोग खेल में फुटबॉल को सबसे ज्यादा खेलते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि टोगो देश में सब कुछ गलत ही है। इस देश में फैमिली वैल्यू बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जो कि सबसे अच्छी बात है, और आज भी ये जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट बरकरार है।